तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ इस फॉर्मूले के ऊपर, इस कंडीशंस, इस स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, और साथ में हम लूप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। और मैं एक्सेल फाइल को खोल लेता हूं। अब बात करते हैं कि लूप की जरूरत कहाँ होती है। नहीं, लूप से पहले हम कंडीशन के बारे में जानते हैं, फिर लूप को भी जानेंगे, दोनों साथ साथ चलेगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ सेल्स फिगर्स है मान लीजिए, और मुझे इन सेल फिगर को इंसेंटिव देना है बी कॉलम। मतलब कि अगर ए ग्रेटर देन 50 हुआ तो मुझे 500 रुपीज देना है। हालांकि इसके लिए जनरली एक्सेल फॉर्मूला हम लगा लेते हैं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 50 हुआ तो 500, इस तरह। बट मैं इसको वीवीए प्रोग्रामिंग से करना चाहता हूं ताकि कंडीशन को समझ सकूं। तो क्या करेंगे इसके लिए, डेवलपर टैब में जाते हैं, विजुअल बेसिक में आते हैं, और यहां हम मैक्रो बनाते हैं कि सब्जेक्ट आर आर में यहां पे इफ इफ अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां देते हैं हम 4 नहीं देंगे, पहले देंगे इफ इफ रेंज। तो कौन सा रेंज है, A2 dot value is greater than 50, then range B2 dot value equal to 500. मिल रहा है सर? हाँ जी। If range A2 dot value is greater than 500, then range v2 dot value equal to 500. तो यहाँ पे सिंपल कंडीशन है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है और एक ही रिजल्ट है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे then के बाद answer के नीचे करके फिर and if किया जाता है। तो वहां पे मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट जब होता है तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं, बस यहां पे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है इसको, ओके? लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा तो एक सिंगल सेल पे ही होगा, पूरे पे नहीं होगा, मेरा 31 तक है नहीं होगा। तो इसको मुझे 31 टाइम क्या रिपीट करना होगा इस तरह से, A2, A3, A4, A5, B2, B2, B3, B4, B5? नहीं, इसके लिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां लिखूंगा कि 4i इक्वल टू चले 2 से स्टार्ट, जरूर A1 से स्टार्ट के 2 से 33, और यहां पे हम कर देते हैं नेक्स्ट i। तो ऐसा करने से हमारा ए लाइन 39 चलेगा। अब क्या होता है फोर लूप, मैं आपको समझाता हूं। मैं इसको एक बार देखिए, ऐसे लूप दो तरह के होते हैं, एक होता है फोर, दूसरा होता है डू। फोर के लिए दो पार्ट है, इसमें हम आई या जे के जो भी इंटीजर वगैरह लेते हैं, और इसमें 1, 2 स्टार्टिंग टू एंड डालते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे इच, कि एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जिसे एक सिलेक्टेड सेल पे चले, जितने नंबर ऑफ सीट से सब पे चले, तो फोर इच इस्तेमाल होता है। दूसरा कंडीशन होता है डू एंड डू में वाइल एंड अंटिल, एक कंडीशन पे चलता है कि जब तक मुझे डेटा मिलता रहे तब तक चले, जब तक मेरा एक्सेल सीट ओपन हो तब तक चले, जब तक फोल्डर में फाइल मिले तब तक चले, जब तक इंटरनेट रेडी ना हो जाए तब तक चले, इस तरह की जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं उसके लिए हम डू लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं 4i 1 to 10। आखिर होता क्या है, चलिए समझाते हैं सिंपल सा माइक्रो में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा MSG बॉक्स, और यहां पे मैंने लिख दिया हाय,
राइट। मान लीजिए मुझे मैसेज बॉक्स को 5 बार मैं 5 times रन करना है, मुझे मैसेज बॉक्स को 5 times रन करना है, तो मुझे इसको 5 बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको लूप में दे देंगे कि 4i = चलो 1, 2, 5 और यहां पे हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट आई। जब इस मैथ को मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके। इसमें आई क्या करता है, आई करता है कि एक कैरी करता है कि कितना बार लूप चल चुका है, एक वेरिएबल है, इसको हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं गिनना चाहता हूं कितना बार चल चुका है, यहां पे मैं आई लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, हाई वन हाई टू इस तरह से आएगा, आई वन आई पहला आई वन है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सिक्वेंस है। तो क्यों ना हम आई को यहां यूज कर दे ताकि मेरा जो नंबर है मतलब कि जो रेंज है उसको ऑटोमेट कर दे। तो मैंने एंड परसेंट लगाया और इसको यहां पे आई दे। अब मैं इस मैक्रो को इस वन को रन करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहां आ जाए। समझ आया सर आपको बेसिक कंसेप्ट लूप का और इफ का? विजय जी कोई डाउट इसमें? हेलो, हाँ नहीं कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं। चलिए अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। जब मेरे पास रिजल्ट कंडीशन एक ही है बट रिजल्ट दो है, मैं यहाँ पे ले ग्रेटर देन बी के ऊपर 500 रुपए डालना, 500 रुपए अमाउंट डालना चाहता हूँ और ए को कलर करना चाहता हूँ। जैसे मैं जहां जहां 500 डला है ना वो सेल हमारा रेड कलर हो जाए इस तरह से, या ग्रीन हो जाए, जो भी कलर देना चाहूँ कलर हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिंगल रिजल्ट और सिंगल कंडीशन नहीं है, सिंगल रिजल्ट है बल्कि मल्टीपल कंडीशन है। तो मुझे इसको यहां से ब्रेक करके नीचे लाना होगा, ओके? और फिर यहां से हम इसको अपना दूसरा देंगे कि भाई ए और डॉट वैल्यू नहीं है, इंटीरियर है, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू जीवी बी। जब एंड जब यहां दैन से नीचे टूटेगा तो इसमें हमें एंड इफ देना पड़ेगा, नहीं तो एरर शो करेगा सर। एंड इफ देना कंपल्सरी है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो इस वन मैंने दो एक ही नाम के दो मैथ बना दिए, अब टू कर देता। यहां पे रन किया, कलर हो गया। मुझे मान लीजिए एल्स देना है, मतलब कि जिसका जो 50 ना हो, 50 से कम हो, उसमें मैं मान लीजिए कि उसको मैं 15 देना चाहता हूं या फिर 20 देना चाहता हूं, तो यहां पे आपको एल्स का दिनांक मान लेना पड़ेगा एल्स। और मैं यहां पे इसको लेता हूं कॉमा और यहां पे हम 20 दे दिए। समझ गया? यस। अब बात करते हैं कि हम वेरिएबल्स का यूज कब करते हैं और मल्टीपल कंडीशन में क्या करेंगे। तो एग्जाम्पल हम यहां बना रहे हैं आपके सामने कि अब जो है मेरा यहां पे 52 80 के बीच में होगा, उसको 1000 हमें देना है और अदरवाइज उसको जो है मान लीजिए 50 देना है, 500 देना है। तो हमें क्या करना है कि जो 50 to 80 के बीच में है
मल्टीपल कंडीशन है, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 है, तो क्या करेंगे? अभी इसका यहां तीसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर सी ब्रैकेट ओपन क्लोज, लूप वगैरह वही रहेगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं दोस्तों, यहां कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और यहां हम देते हैं एंड, यहां पे लेस देन इक्वल टू 50। तो अब ये ऐसे तो हमने कर दिया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अभी हमने रेंज हमारा सिंपल है, लेकिन कल के डेट में से इसके आगे वर्कबुक लग सकता है और भी बहुत सारी चीजें लग सकता है, तो इसको और छोटा, क्योंकि कंडीशन में अगर यह दो कंडीशन है, तीन चार पांच कंडीशन होगा तो फिर लंबा लाइन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहां हम इसमें वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां देते हैं डिम वी कॉमा आर, एक वैल्यू होगी और एक रिजल्ट होगा, एज ए लॉन्ग दे दिया। उसके बाद हम लूप के अंदर ही, क्योंकि हर बार चेंज होगा ना सर, लूप के अंदर ही यहां करते हैं कि v इक्वल टू, और ये जो रेंज है हमारा, इस रेंज को हम उठाते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि मुझे जो कोड लिखना होगा कुछ इस तरह से कोड लिखना होगा कि एक v is greater than equal to 50 and v is less than equal to 80, then अब यहां पे r करते हैं, r equal to 1000 और v यहां else में r equal to 500 and if एंड हो गया सर। उसके बाद हमें रिजल्ट शो करना है, तो रिजल्ट के लिए हम लिखेंगे रेंज बी होगा ना, हाँ बी आ ठीक है, और फिर आर इक्वल टू यहां जीरो। कुछ समझ में आया आपको विजय जी? एक चीज बताइए सर, ये हम लोग, ये मुझे वही एक डाउट हो रहा था, जैसे v का तो हम लोग ने डिफाइन कर दिया a का वैल्यू, जो हम लोग का कॉलम b में आएगा उसको हम लोग, मुझे पहले लग रहा था कि ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे, लेकिन वो नहीं करके हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं, रेंज b का वैल्यू हम लोग 8 डाल दे रहे हैं। मतलब है कि हमें रिजल्ट तभी देना है ना जो कंडीशन चलेगा। ओके, सबसे पहले इसने क्या किया, रेंज से वैल्यू लेके v पे स्टोर कर दिया, देन v को चेक किया, राइट v इस कंडीशन को मैच करेगा तो r हमारा अपडेट होगा, जो r अपडेट होगा वो हमारा b कॉलम को अपडेट करेगा, उसके बाद अपने आप को खाली कर लेगा। अब खाली को किया कि हो सकता है कि अगली बार में r v जो है इस कंडीशन को मैच ना करे, तो r पे तो वैल्यू रह जाएगी ना सर, कोई पिछली वैल्यू ना रह जाए, इसलिए मान लेते हैं कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई कि लाइन नहीं वर्क किया, तो आर के ऊपर जो प्रीवियस टाइम प्रीवियस लूप में जो चला था वो वैल्यू स्टोर था पहले से, वही यहां प्रिंट कर देगा, इसलिए यहां पे जीरो कर दिया, कि प्रिंट करेगा अभी तो जीरो प्रिंट करेगा। इंपॉर्टेंट है सर, तो अब इसका यूज कर देगा। हाँ जी हाँ, अब इसका यूज हम इसलिए करते हैं इस तरह का मेथड, इससे पहले जो ऊपर आपने देखा मेथड था सिंपल था समझ में आ रहा था, तो ये तो इसलिए करते हैं जब हमारा रेंज कॉम्प्लिकेटेड हो, कि रेंज ए 65,000 से एंड अप एक्सेल अप इस तरह का हो, वर्कबुक शीट रेंज टेल्स इस तरह का लगा हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की वेरिएबल्स पे हम अपना कंडीशन को ला लेंगे और दो तीन चार पांच कंडीशन हो, समझ गया जी सर। मेरा एक और डाउट है, एक बार ऊपर जाएंगे खाली, आप जो स्टार्टिंग में बनाया था, हाँ इसमें एक चीज बताइए ना, ये वाला जो है
ये पहले वाले में देखिए आपने जो इफ डाला था उसमें आपने ना एंड इफ नहीं किया। इसी तो समझाया था, इसी तो मैंने समझाया आपको सर, ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास पे, ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने बताया आपको कि सिंगल रिजल्ट और सिंगल कंडीशन होगा, तो हम इसको एक लाइन में लिख दें, हमें एंड इफ करने की जरूरत नहीं है। ओके अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन एक भी हो लेकिन रिजल्ट मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, देन मुझे एंड इफ करना पड़ेगा बीच लाइन में, क्योंकि एक लाइन में एक लाइन में एक ही एक्शन हो सकता है, दो एक्शन नहीं हो सकते, नहीं, लेकिन बात समझ रहे हैं? नहीं, लेकिन सब इफ टू में भी तो आपका एक ही कंडीशन है, आई मेरा आई 2 से 23 है, रेंज है इसमें, एक ही तो हम लोग दे रखे हैं। नहीं यहाँ देखिए ना, दो है ना सर, यहाँ पे जैसे क्लर्क भी तो कर रहा है, एल्स भी तो हमारे पास। ओके हम यहाँ दो कंडीशन कर रहे हैं ना, क्लर्क भी किया हमने, फिर हमने एल्स भी दिया हमने। ओके ओके ठीक है, अगर कलर एल्स अगर एल्स ना देखिए अगर एल्स ना हो, कलर ना हो, तो फिर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, ओके इस तरह एंड इफ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ समझ गए? डाउट तो नहीं सर इसमें? तो नहीं इस तरह से हम कोड यहाँ पे करते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट के बताओ आपको सिंपल सा इफ होता है कि इफ कंडीशन ट्रू पाथ एल्स फॉल्स पाथ, सॉरी, और नीचे एंड इफ। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप पे बताऊं तो इफ का होता है कि इफ यहाँ पे देना है कंडीशन, उसके बाद देना है हमारे देन, उसके बाद यहाँ पे ट्रू वैल्यू, फिर यहाँ पे आपका आता है एल्स और यहाँ पे फॉल्स वैल्यू। और यहाँ पे एंडेड, ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें इफ और कंडीशन और देन, ए तो कंपलसरी है, ए तो देना ही देना है, राइट? उसके बाद आपका ट्रू पार्ट भी कंडीशन है, फॉल्स पार्ट एल्स देने, ए जो है आप हमारा इतना लाइन है, ए हमारा ऑप्शनल है, एज पर रिक्वायरमेंट हम देंगे या नहीं देंगे, बट आपका पहला दूसरा यहाँ पे दूसरा और तीसरा तीन पार्ट देना कंपलसरी, ठीक है? यहां पे आप जो है कोई भी कैलकुलेशन किसी भी तरह की चीज ऑपरेशंस वगैरह दे सकते हो, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, जैसे अभी डायरेक्ट हमारा हो गया ना आर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आर मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई फलाना इज ग्रेटर देन 10%, समझ गए ना? तो इस तरह की कैलकुलेशन भी डायरेक्ट हम इसके अंदर कर सकते हैं, समझ में आया? हेलो, हाँ जी। अब लूप के बारे में चल जाते हैं, लूप के बारे में जानते हैं फिलहाल, क्योंकि इस तो समझ गया, अब लूप के बारे में जानते हैं। लूप का यूज, क्योंकि तो लूप इसमें देना जरूरी था, कि अगर मैं लूप नहीं देता तो सिर्फ फिर एक सिंगल सेल पे वर्क करता, बात समझ रहे ना? तो फिर हमें इस कंडीशन की वीवीए के कोई मायने लग जाते, फिर हमें मैनुअली करने का बेनिफिट था। जब लूप आया, लूप जब इसके साथ लगा तो हमारा पूरा एक डेटा रेंज में वर्क किया, तब जाके हमें सुटेबल हुआ, राइट? तो फोर लूप का काम इतना ही है, सिंपल सा बात इसको समझ जाइए कि फोर और नेक्स्ट के बीच में जो भी नंबर ऑफ कोड है उसको रिपीट करना, ओके सर? और रिपीटेशन कितना बार हो चुका है या हो रहा है इसकी काउंटिंग करने के लिए ये आई यूज करता है। अब आई स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं है कि आई हो, लेकिन क्या है कि कॉमन लोग इसको आई यूज करते हैं, इसलिए मैं भी आई यूज करता हूँ, बहुत सारे वेबसाइट पे आर्टिकल्स पे वीडियो बहुत सारे वीडियो में आप भी देखेंगे आई, इसका मतलब ऐसे कि आई फिक्स है, यहाँ पे आई के जगह पे एबीसीडी अपना नाम सीट नेम सिटी नेम कुछ भी कर एनीथिंग वैल्यू ले सकते हैं, बट उसको कहीं और यूज ना किया हो,
समझ गया, और उस वेरिएबल को आप इस कोड के बीच में कहीं भी एज ए सीक्वेंस के लिए, एज ए सीरियल नंबर के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है। और जिस और जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग और जो एंडिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, ये हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी एंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा आप लीनियर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि स्टार्ट टू एंड, टॉप टू बॉटम टू टॉप। देखिए आगे चल के मैं समझाऊंगा इसको, बॉटम टू टॉप स्टेप स्टेप कमांड होता है, वो हम आपको आगे की क्लासेज में समझाएं, राइट सर। और ये यहाँ पे जो 33 है, ये 33 हमारा मैंने मैनुअल लिखा हुआ है, 32 है या 31 है, मैनुअल लिखा हुआ है। अब चाहते इसको ऑटोमेट करना, तो इसके लिए कई सारे मेथड है, लेकिन जो मैं सिंपल मेथड यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ कि यहाँ पे कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्स प्लस आप डॉट रो। तो अब इस एक कॉलम के अंदर में जितना भी डेटा होगा उसके हिसाब से लूप हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर है सर? तो अब आप मुझे इस, मैंने आपने इसके ऊपर 5 या 6 एग्जांपल दिए हैं, मुझे आप 10 एग्जांपल इसके बना के अभी भेजिएगा, बाद में नहीं सर, अभी इसके 10 एग्जाम्पल बना के दें, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नेस्टेड इफ, मतलब कि कई सारे कंडीशन एक इसके अंदर बहुत सारे इफ लगाना। तो उसको करने से पहले आप ए नॉर्मल इफ को अच्छी तरीके से समझें, देन उसको करें। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो एक आर्टिकल मैं दे देता हूं आपको, टिक ऑन द नेट वेबसाइट है, इसका आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने भी बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो वो मैं आपको दे देता हूं। टिक ऑन द नेट में आप जाएंगे, यहां नीचे लॉजिकल फंक्शन आएगा, लॉजिकल फंक्शन दिखा, इसमें आपका आएगा इफ देन एल्स, दिख रहा है आपको सर? हाँ, इसको पढ़िएगा। इसके अलावा एंड भी है, केस भी है, फोर भी है, स्विच भी है, ये सारे जो है ये आपके लूप और इफ से रिलेटेड है, तो इसको मैंने आपको चैट कर दिया है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा एज ए रेफरेंस अगर टाइम मिले तो। ठीक है, टाइम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, स्टडी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, थ्योरिकल पार्ट में पता चल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। हाँ जी, थैंक यू, ओके, बाय बाय।